हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुवेव एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। दिस इज कमलेश। टुडे वी आर स्टडिंग अबाउट द ट्रांसलेशन, हाउ टू ट्रांसलेट द हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें, या कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिन कंसेप्ट से हम हिंदी से जो हिंदी के वाक्य होते हैं उन वाक्यों को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर हमारे जो 9th से लेकर 12th तक जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए विशेष तौर से इम्पोर्टेंट है, और जो कॉलेज लेवल में या जो बच्चे जो अपने आप के अंदर इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, और मतलब जो ट्रांसलेशन का जो मेथड है, ठीक है ना, इसको सीख कर वो बहुत से बड़े सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए, और ये कहाँ कहाँ काम आने वाले हैं आपके 9th और 9th से लेकर 12th तक जो बच्चे हैं, ठीक है ना, इन बच्चों के जो एग्ज़ाम्स में जो कंपोजिशन से रिलेटेड जो पूछे जाते हैं टॉपिक्स, उन टॉपिक्स को लिखने में बड़ी परेशानी होती है। तो उनको मतलब कैसे लिखे उसको ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं, उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। आज जो बात करेंगे वो बात हम करेंगे, देखिए दोस्तों, अक्सर आपके सामने ऐसे सेंटेंस आते हैं कई बार लास्ट में, जैसे वाला है, वाली है, वाले हैं। जैसे मान लो कि हमारी स्कूल एक रक्तदान शिविर आयोजित करने वाली है, वाला था, ऐसे कुछ सेंटेंस आपके सामने आते हैं, तो इनको हम ट्रांसलेट कैसे करें। बहुत से मतलब बुक, आप यदि आपको इंग्लिश पढ़ रहे हो आप बुक में, तो आपको उसको यदि हिंदी में पढ़ना है, उसका हिंदी में अर्थ निकालना है, तो भी आप इनको देख कर आप पता लगा सकते हैं कि ये इसका अर्थ ये निकलेगा। तो देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, एक सेंटेंस आपके सामने में पेश कर रहा हूं। देखिए, हम सब एक किताब खरीदने वाले हैं। हम सब एक किताब खरीदने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पता चला हमें कि लास्ट में वाले हैं, वाला है, आ रहा है, इट मीन्स, तो देखिए यहाँ तो है आ रहा है, लेकिन हम बात करें आगे, ये ऐसे सेंटेंस की अंग्रेजी हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, बात करें वाला, वाली, वाले, यानी लास्ट में यदि किसी वाक्य के अंत में वाला, वाली और वाले ये आता है, तो देखिए सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करने का जो तरीका है वो क्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद is are am, यदि प्रेजेंट में है, प्रेजेंट का मतलब ये लास्ट में है आ रहा है, वाला वाली के बाद में है आता है, तो is are am यानी प्रेजेंट, और वाला वाली के बाद क्या आता है, was या सॉरी था, थे, थी आता है, तो हम was या were का यूज करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लगाएंगे about to, क्या लगाएंगे, about to या going to, about to या going to। देखिए यहां is are am और was were के बाद about to या Going to. Is are am तो तब लगाएंगे जब लास्ट में आता है और यानी प्रेजेंट आता है और पास्ट आता है, तो was या were का यूज हम करेंगे। इसके बाद हम बात करें तो देखिए मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है ना, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हम अदर वर्ड जो भी है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी सेंटेंस लास्ट में आता है उसका हम प्रयोग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें पता चला कि यदि किसी वाक्य के अंत में वाला, वाली, वाले इत्यादि जो वर्ड है हिंदी में आते हैं, तो उनको हम ट्रांसलेट कैसे करें, तो इनको आप आराम से कर सकते हो। दूसरी बात, ये फ्यूचर का जो इंटेंशन होता है, ठीक है ना, प्लान्ड होता है, उसको बताने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर हम देखें तो सेंटेंस में पता चल रहा है कि हम सब एक किताब खरीदने वाले हैं, इट मीन्स अभी खरीदे नहीं है, लेकिन फ्यूचर की हमारी प्लानिंग है, तो फ्यूचर का जो इंटेंशन होता है, प्लान होता है, उसको बताने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, हम कैसे बनाएंगे, तो हम बात करें सबसे पहले सब्जेक्ट की, तो ये सब्जेक्ट है हम सब, ठीक है ना, तो हम सब, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, तो हम की वी और सबके लिए और वी ऑल। अब बात करें आगे, इज आर एम लास्ट में क्या है, है तो हम इज आर एम लगाएंगे, तो वी के साथ क्या आएगा, और सॉरी आर, वी ऑल आर, ठीक है ना, क्या। इसके बाद अबाउट टू, वी ऑल आर अबाउट टू, इट मीन्स अबाउट टू, यहां पर हमने रूल कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने बात की। इसके बाद देखो मैन वर्ब क्या है, मैन वर्ब का पता चला तो खरीदने की जो वर्क है वो है यहाँ पर, तो ये मेन वर्ब है, खरीदने का जो एक्शन है वो है, इट मींस बाय, वी ऑल आर
अबाउट टू बाय ए कार. सॉरी देख लो आ गए. ठीक है सॉरी इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से. आगे हम देखते हैं. देखिए दोस्तों बात कर रहे थे हम कि वाला है वाली है, तो यदि प्रेजेंट होता है यानी लास्ट में है आता है तो इजारन लगाएंगे यहाँ पर, और पास्ट होता है तो वाज वर. इसके बाद हम अबाउट टू या गोइंग टू यूज इट करेंगे. उसके बाद मेंबर की फर्स्ट फॉर्म यानी हमने देखा कि हम सब यहाँ सब्जेक्ट है तो हमने सब्जेक्ट लिखा. अब यहाँ पर लास्ट में है आया है इट मीन्स यहाँ क्या आएगा इज आर एम में से आएगा तो यहाँ पर आर आ जाएगा. ठीक है इसके बाद हम बात करें अबाउट टू रूल कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे. ठीक है ये टाइप नंबर फर्स्ट है तो टाइप नंबर फर्स्ट यही कह रहा है इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे. ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट टू या मैनुअल की फर्स्ट फॉर्म क्या है बाय. इसके बाद हम लिखेंगे जो बाकी का सेंटेंस इंग्लिश में रह गया उसके अकॉर्डिंग. ठीक है अबाउट टू बाय क्या खरीदने वाले हैं इसकी अंग्रेजी लिख दी हमने. ठीक है ना ये हो गया ये हो गया ये हो गया ए किताब तो ए बुक कि वी ऑल आर अबाउट टू बाय ए बुक. यदि इसी की हम बात करें यही यदि पास्ट में वो होता. ठीक है यानी वाले हैं की जगह क्या था वाला वाले थे या वाले था. ठीक है ना थे आ गया इट मीन्स ये पास्ट हो गया. अब पास्ट हो गया तो यहाँ इजारन तो आएगा नहीं. ठीक है ना तो वी के साथ क्या आएगा वाला आएगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा. तो देखिए दोस्तों ये था हमारा पहला कंसेप्ट और इसके अकॉर्डिंग इसी से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल आप कर सकते हो और मैं कुछ एग्जाम्पल पेश करता हूँ आपके सामने देखते हैं. तो देखो मैं इसमें जो जितने भी मतलब एग्जाम्पल्स हैं जो आपके काम आते हैं या जो यूज होते हैं वैसे एग्जाम्पल्स मैं आपको लिख पा रहा हूँ. तो देखिए जैसे मैं वो लिखता हूँ हम या हमारी स्कूल एक हमारी स्कूल क्रिकेट मैच खेलने वाली है. तो देखो यहां पर हम बात करें तो हमारी स्कूल यहाँ सब्जेक्ट है तो अवर स्कूल. ठीक है ना अब बात करें अवर हो गया. अब इसके बाद में अवर स्कूल के बाद में ये तो हो गया सब्जेक्ट. आगे बात करें तो इज है तो इज आर एन तो अवर स्कूल सिंगुलर है. इज अबाउट टू या गोइंग टू अबाउट टू क्या करने वाली है. ठीक है मेलबर्न की फर्स्ट फॉर्म खेलना प्ले इज अबाउट टू प्ले क्या खेलने वाली है क्रिकेट मैच प्ले क्रिकेट मैच. ठीक है इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल आप कर सकते हो. जैसे मैं बोलूँ है ना वर्षा होने वाली है. ठीक है ना वर्षा होने वाली है तो देखिए वर्षा के लिए हम इट लगाते हैं तो इट इज अबाउट टू रेन इट इज अबाउट टू रेन. यदि इसी सेंटेंस को हम पास्ट में लेते हैं होने वाली थी तो वॉज अबाउट टू रेन हो गया. इसको यदि हम लेते हैं तो वॉज अबाउट टू प्ले क्रिकेट मैच. ठीक है दोस्तों ये था हमारा पहला कंसेप्ट. इसके ऊपर आप ढेरों सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हो. ठीक है ना और इसके बाद हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट. तो देखिए ये था वाला वाली वाले यदि किसी सेंटेंस के लास्ट में आता है तो. नेक्स्ट जो टाइप हमारा सेकंड टाइप की हम बात करें तो देखिए टाइप नंबर सेकंड. इस टाइप नंबर सेकंड में क्या है बात करें तो सेंटेंस के लास्ट में कई बार आपने देखा होगा सेंटेंस के लास्ट में पढ़ता है. ठीक है ना पढ़ती है या पढ़ते हैं. ठीक है ना यानी कंपल्सन या मतलब जबरदस्ती कोई काम हमें करना पड़ता है तो वहां पर हम लास्ट में ऐसे जो वर्ड्स हैं हिंदी में यूज करते हैं. जैसे मैं लिखूं मुझे पढ़ना पड़ता है. ठीक है ना यानी कोई काम यदि हम जबरदस्ती करते हैं तो वो होता है. ठीक है ना ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनके लास्ट में ये आता है. तो देखिए यहाँ पर हम बात करें तो मुझे के लिए आई. ठीक है ना लेकिन अब बनाए कैसे इसके लिए मैं आपको टाइप नंबर सेकंड है वो बताने वाला हूँ. सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट. क्या लिखेंगे सब्जेक्ट. ठीक है ना उसके बाद लिखेंगे हैज या हैव लास्ट में टू हैज हैव या टू प्लस मैनवर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करेंगे. मैनवर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे बाद में लास्ट में अदर वर्ड का यूज करेंगे. तो देखो यहाँ पर हम बात करें तो ये था पढ़ता है पढ़ती है पढ़ते हैं. तो देखो यहाँ पर मुझे के लिए आई अब आई के साथ हैज या हैव. ठीक है ना तो आई हैव टू. ठीक है ना आई हैव
टू, ये रूल है हमारा। अब मेन वर्ब क्या है यहाँ, पढ़ना, तो पढ़ना क्या है, रीड या स्टडी, आई हैव टू रीड, ठीक है ना, आई हैव टू स्टडी। तो ध्यान रखना ऐसे सेंटेंस हम बना सकते हैं, जैसे मान लो मैं लिखूँ मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है ना, मुझे खेत में काम करना पड़ता है, ठीक है ना, मुझे 1 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे हम बना सकते हैं, जैसे मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, ठीक है ना, तो आई हैव टू लिव इन हॉस्पिटल, ठीक है ना, आई हैव टू स्टे इन हॉस्पिटल, मुझे घर में रहना पड़ता है, ठीक है ना। तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल है ऐसे बना सकते हैं, जैसे मैं लिखूँ मुझे घर में रहना पड़ता है, तो आई हैव टू स्टे, आई हैव टू स्टे एट होम, ठीक है ना। इसी प्रकार से मैं लिखूँ उसे, अब हैव तो आएगा इसका प्लूरल के साथ, उसे की बात करें, उसे घर में रहना पड़ता है, तो ही हैज टू स्टे एट होम, ही हैज टू स्टे एट होम। जैसे मेरे पिताजी को ऑफिस जाना पड़ता है, ठीक है ना, तो माई फादर हैज टू गो ऑफिस, ठीक है ना। तो इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल है जो इससे हम बना सकते हैं, और भी यदि आपको कुछ इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और मुझे पूछ सकते हो, ठीक है ना। और भी यदि मैं एग्जाम्पल उससे कहा तो मैं आपको पीडीएफ इसके अंदर डाल दूंगा। इसके बाद हम बात करें आगे, ये था पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, इसका रिविजन जरूरी है। देखिए एक ऐसे रूल या जो टाइप नंबर या कोई भी कंसेप्ट है पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें, मतलब इसके जो ज्यादा जितने ज्यादा उसके उतने ज्यादा एग्जाम्पल्स हमें सोल्व करने पड़ेंगे, यानी हिंदी एग्जाम्पल हमें उठाना है और उसको ट्रांसलेट करना है, तब जाके प्रैक्टिस में आएगा, इससे प्रैक्टिस पे नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो है इसी से रिलेटेड है। अब इसमें तो है पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ता है, इट मीन्स ये है प्रेजेंट का है। अब मैं बात करूं पास्ट की, कि मुझे खाना खाना पड़ा, मुझे हंसना पड़ा, मुझे रोना पड़ा, मुझे चलना पड़ा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो पास्ट के है, ठीक है ना। यानी टाइप नंबर थर्ड की बात करें तो पढ़ा, पढ़ी और पढ़े, ऐसे कुछ वाक्य ऐसे वर्ड्स लास्ट में आते हैं, तो उनकी अंग्रेजी हमें कैसी बनानी पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हैड टू, और फिर लिखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर लिखेंगे अदर वर्ड। जैसे मुझे स्कूल जाना पड़ा, ठीक है, मुझे स्कूल जाना पड़ा, ठीक है, तो क्या होगा बताओ, क्या होगा, आई, आई के साथ हैड टू, यहां पर हैड टू मेन वर्ब क्या है, जाना, गो, आई हैड टू गो स्कूल, आई हैड टू गो स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ा, ठीक है ना। तो ऐसे ही मुझे ऑफिस जाना पड़ा, ठीक है ना, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, बहुत सारे एग्जाम्पल जो आप इससे बना सकते हो। ऐसे एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन, जैसे मेरे भाई को एक कार खरीदनी पड़ी। तो देखिए यहां पर पड़ा पड़ी यार, हमें इस चीज का ध्यान रखना है, और कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी बात, एक फैक्ट और बताता हूं आपको। देखिए दोस्तों यदि हम हिंदी सेंटेंस हम देख रहे हैं, क्या हिंदी सेंटेंस, यदि हिंदी सेंटेंस हम देख रहे हैं तो हिंदी को जब पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ते हैं स्टार्टिंग, ठीक है ना। लेकिन जब हम उस हिंदी सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है ना, फिर हेल्पिंग वर्ब या जो भी मेन वर्ब होती है वो लिखते हैं, ठीक है ना, और फिर क्या करते हैं, फिर जो हिंदी सेंटेंस है उसको पीछे से, जो भी पीछे से वर्ड आ रहा है उन शब्दों को हम, या जैसे मान लो एक नंबर पे ये है, दो नंबर पे ये, तीन नंबर पे ये, चार पे ये, पांच पे, इधर से काउंट करेंगे पीछे से, एक दो तीन चार पांच। अब इनको हमें लिखना कहाँ है, यहाँ पर इंग्लिश में, तो इसकी जो इंग्लिश होगी वो यहाँ लिखनी है, फिर दूसरे नंबर वाले की यहाँ, तीसरे नंबर वाले की यहाँ, चौथे नंबर वाले की यहाँ, और पांचवे की यहाँ, इस प्रकार से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं, जैसे मेरा भाई यहाँ सब्जेक्ट है, तो माई ब्रदर, ठीक है ना, माई ब्रदर सब्जेक्ट हो गया। अब हैड टू लगाना है, हैड टू माई ब्रदर, हैड टू क्या करना पड़ा, ब्रदर को कार खरीदनी पड़ी, तो हैड टू मेन वर्ब क्या है, बाय, माई ब्रदर हैड टू बाय क्या खरीदनी पड़ी। अब देखो यहाँ बाय मेन वर्ब है, ठीक है ना, इसकी अंग्रेजी हमने लिख दी, ठीक है ना, ये आई गया, बचा क्या, मेरा भाई को आई गया, ठीक है ना, एक कार, तो यहाँ पीछे से आए एक कार, ए कार, ये छोटा सेंटेंस है, ये बड़ा सेंटेंस लेंगे तो इसी इसी के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है ना। ये बेसिक सेंटेंस थे,
ये इनसे ही रिलेटेड, इनको जोड़कर मैं आपको एक पैराग्राफ दूंगा, कम से कम मतलब लगभग 7 या 8 टाइप हो जाएंगे, तो हम एक पैराग्राफ सभी के मिक्स में हम लेके चलेंगे, तो आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी उसके अंदर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज 3 टाइप बताए हैं, और इन तीनों टाइप्स के जो एग्जाम्पल है वो आप ढूंढे, या आपके माइंड में जो भी मतलब जो भी सेंटेंस आते हैं वो आप लिखे कॉपी में और उनको ट्रांसलेट करने का प्रयास करें। ये 101% आपके बोर्ड में काम आने वाला है, या बोर्ड का मतलब कोई भी जो कॉम्पिटिटिव सॉरी कोई भी जो बोर्ड एग्जाम्स है या कोई भी लोकल एग्जाम्स है उनके अंदर जो कंपोजिशन का पार्ट आता है, ठीक है ना, उसको ट्रांसलेट करने के लिए आसानी हो जाती है, उससे आसान हो जाता है काम, ठीक है ना। और आप ज़्यादा से ज़्यादा पैराग्राफ, स्टोरी, लेटर, इन्विटेशन, नोटिस, ठीक है ना, ये आप लिख सकते हो। और कोई भी क्वेश्चन, यदि आप कोई भी बुक की जो कोई भी बुक का लेसन है, यदि आपको उसकी हिंदी यदि आपको याद है, स्टोरी उसकी याद है पूरी, तो आपको यदि ये जो कंसेप्ट है जो मैं बताऊँगा ये भी आपने इनके ऊपर भी एक्सरसाइज किया है, तो आप अच्छे से उस लेसन को अपने अंदाज में ट्रांसलेट कर सकते हो, अपने अंदाज में उसका आंसर दे सकते हो। तो देखिए दोस्तों, ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स मैं आपको ऐसे ही जो कुछ टाइप्स हैं, कुछ रूल्स हैं, वो आपके सामने मैं पेश करूंगा। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, सभी को आप इसको भेजें। थैंक यू।